सबको नमस्कार। लगभग एक महीना पहले जब हमने दिल्ली में लॉकडाउन खोला था तो बहुत तेजी से दिल्ली में केसेस बढ़ने लगे कोरोना के। जब लॉकडाउन खोला तो हमें ये उम्मीद तो थी कि केस बढ़ेंगे, लेकिन इतनी तेजी से केस बढ़ने लगे। उस वक्त केंद्र सरकार की एक फॉर्मूला है, उनकी एक वेबसाइट है, नेशनल एक्सपर्ट्स ने बनाई है। वो वेबसाइट हमें ये बताती है कि आगे प्रोजेक्शंस क्या होंगे, कोरोना के केसेस आने वाले समय में कितने होंगे, महीने भर बाद कितने होंगे, 2 महीने बाद कितने होंगे। उसके मुताबिक जिस स्पीड से दिल्ली में केस बढ़ रहे थे, हमने जब प्रोजेक्शन किए तो निकल के आया कि 30 जून को दिल्ली में 1 लाख के करीब केस होंगे। उसमें से लगभग 60,000 एक्टिव केस होंगे और लगभग 15,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी अस्पतालों के अंदर। तो स्थिति गंभीर थी, हम लोग हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे, हम लोगों ने हार नहीं मानी, हम लोगों ने मेहनत और डबल कर दी। और उस वक्त हमने जिससे हो सकता था सबसे मदद मांगी, जनता के सामने ये सब रखा कि भाई 30 जून को इतने केस होने वाले हैं, आने वाले समय में स्थिति गंभीर हो सकती है। और फिर मैं सबके पास गया मदद मांगने के लिए, सारे अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, उनको इकट्ठा किया, सारे सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त किया, सारे होटल वालों से मिले हम। होटल वालों ने मुकदमा कर दिया था हाई कोर्ट में, उसको जल्दी करके मुकदमे को अपने पक्ष में मुकदमा हुआ, बड़ा अच्छा रहा। सारे बैंक्वेट हॉल वालों से मिले हम, बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं, एनजीओज, धार्मिक संस्थाएं, केंद्र सरकार, सब लोगों की मदद मांगी। जहां मदद मिली, जहां नहीं मिली, उनके पैर पकड़े कि दिल्ली को बचाना है अपने को, सबको मिलके। और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि 1 महीने में सबकी, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की मेहनत और सब लोगों की मेहनत, सभी एजेंसीज की मेहनत से जो भयावह स्थिति हमें 1 महीने पहले नजर आ रही थी कि 30 जून को इतनी भयावह स्थिति होगी, आज हम 1 जुलाई है, आज हम देखते हैं कि हम कहां खड़े हैं। जो भयावह स्थिति 1 महीना पहले प्रिडिक्ट की जा रही थी कि 30 जून को 1 लाख के करीब केस होंगे, ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि 60,000 एक्टिव केसेस होंगे, आज केवल 26,000 एक्टिव केसेस हैं दिल्ली में, लगभग एक तिहाई। ये हम सब लोगों की, आप लोगों की, हम सब लोगों की, सारे दिल्ली वासियों की मेहनत का नतीजा है, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, सारे समाज की मेहनत का नतीजा है कि हमने फिलहाल स्थिति को कंट्रोल कर लिया है। 60,000 केस की उम्मीद थी, एक्टिव केसेस की, इस टाइम 60,000 पेशेंट्स होंगे, उसके मुकाबले आज दिल्ली में 26,000 पेशेंट हैं। उस वक्त ये प्रेडिक्शन थी कि 15,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, डेली इतने केस आ रहे थे, डेली इतने केस आ रहे थे। और उस टाइम डेली 250 नए मरीज ऐड होते जा रहे थे, तो एक ये पूरी सिचुएशन में डर था सिस्टम के अंदर कि रोज 250 बेड बढ़ाने पड़ेंगे अपने को। आज उल्टा हो गया। इस टाइम मैंने ऐप देखा अभी, इस टाइम दिल्ली में 5,800 बेड केवल, सारे अस्पतालों में मिला के अस्पतालों में 5,800 कोरोना के पेशेंट हैं, मरीज हैं। एक हफ्ता पहले 6,250 मरीज थे,
पिछले एक हफ्ते में 450 मरीज कम हो गए बढ़ने की बजाय। आज हमने 15,000 बेड्स का इंतजाम कर लिया, कोरोना के बेड्स का, अस्पतालों के अंदर आईसीयू बेड्स का, नॉर्मल बेड्स का, वेंटिलेटर का। आज हमने 15,000 बेड्स का इंतजाम कर रखा है दिल्ली में, लेकिन केवल 5800 मरीज हैं। तो मरीजों की संख्या आज की डेट में दिल्ली में दिन ब दिन बढ़ने के बजाय कम होती जा रही है। ठीक होने वालों की संख्या दिन ब दिन दिल्ली के अंदर जो लोग कोरोना से ठीक हो रहा है, कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज से एक महीना पहले लगभग 38% मरीज ठीक हुए थे, आज दिल्ली के 67% मरीज ठीक हो गए हैं। टोटल 87,000 केस अभी तक दिल्ली में हुए, जिसमें से 58,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। लोगों को हो रहा है ठीक हो रहे हैं। और एक महीना पहले 8,500 बेड थे अस्पतालों में। हम लोगों ने सारे अस्पतालों से बात की, होटल वालों से बात की, आज दिल्ली में 15,000 बेड्स की व्यवस्था कर दी। और अब ऊपर वाले की कृपा से, आप सब लोगों की मेहनत से 23 जून को 4,000 केस, डेली केसेस आते हैं ना, नए केस आते हैं, 4,000 के करीब 3950 केसेस आए थे नए, लगभग 4,000 नए केसेस आए थे उस दिन। और कल लगभग 2200 केस आए थे। तो पिछले एक हफ्ते में डेली वाले केस भी आधे नजर आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में बढ़ जाएं। लेकिन पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं 2,000, 2,100, 2,200, 2,400 इसके इर्द गिर्द केसेस मंडरा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की वजह से मौत कम होने लगी है। एक दिन ऐसा आया था जिस दिन लगभग 125 के करीब लोगों की मौत हुई थी, अब डेली 60-65 के आसपास हो रही है। इसे और भी कम करना है, लेकिन अब लगभग 60-65, लगभग आधी के करीब, जो पीक आई थी उससे आधी के करीब हो गई है। हमने टेस्ट्स की संख्या बहुत बढ़ाई है, अब टेस्ट्स की कोई कमी नहीं है। इसमें भी एक अच्छा संकेत यह है कि पहले 100 लोगों का टेस्ट करते थे तो उसमें लगभग 31 लोग कोरोना के मरीज पाए जाते थे। आज जब हम 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो उसमें केवल 13 कोरोना के मरीज मिलते हैं। ये सारी चीजें अच्छी हैं, ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि स्थिति अब काफी कंट्रोल में आ गई है। स्थिति उतनी भयानक नजर नहीं आ रही जितनी एक महीना पहले थी। ये हम सब लोगों की मेहनत का नतीजा है, सब लोगों के मिले जुले प्रयास का नतीजा है। लेकिन इससे खुश होके हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, अब हमें खुला नहीं कर देना सब कुछ। ये वायरस ऐसा है जिसका ये नहीं पता कि ये कल क्या करेगा, परसों क्या करेगा, किसी को कुछ नहीं पता। हो सकता है कि कल फिर से बढ़ जाएं केसेस। तो हम, सरकार अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से, हम पूरी कोशिश जारी रखेंगे। जो हमारी 24 घंटे मेहनत चल रही है उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे, वो जारी रहेगी और डबल मेहनत करेंगे ताकि अगर आने वाले समय में केसेस बढ़ते हैं तो उससे हम मुकाबला कर सकें। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कुछ एक्सपर्ट्स ने लिखना चालू किया है कि दिल्ली का पीक आके जा चुका है और दिल्ली में अब केसेस नीचे जाएंगे। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, कृपया अभी इन एक्सपर्ट्स की तरफ ध्यान मत दीजिए। मास्क पहनते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहिए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए, धोते रहिए, इसमें जरा भी चूक नहीं करनी है। बड़ी मुश्किल से हम लोग एक महीना पहले जो स्थिति थी
उस स्थिति से हम सब लोगों ने प्रयास करके बाहर निकले हैं। अब अपने को किसी भी हालत में वैसी स्थिति नहीं आने देनी, चौकन्ना रहना है, अपनी मेहनत को कम नहीं होने देना और ये जो अपना शानदार टीम वर्क था इसको जारी रखना है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हम अच्छे की उम्मीद करेंगे लेकिन तैयारी हम सबसे खतरनाक सिचुएशन की करके रखेंगे। नमस्कार। देश का पहला मोबाइल टीवी जो लगातार आपको रखेगा ताजा खबरों से अपडेट। घर से दूर हो या दफ्तर से बाहर, आप कहीं भी हो, खबर छूटेगी नहीं। हर मिनट में ताजा हेडलाइंस के साथ राजनीति, खेल, मनोरंजन, लाइफस्टाइल और तमाम दुनिया भर की खबरें। न्यूज़ 360 डिग्री टीवी 24x7 लाइव टीवी, ब्रेकिंग बाउंड्रीज।